Hello students, assalamu alaikum. So today we're going to discuss about the cost of area and perimeter. Theek hai? Okay. So in the last lecture and the last video, I would say, मैंने आपसे share किया था कि how you're going to calculate the area and perimeter of square and rectangle, right? And now we're going to discuss about how you're going to calculate the cost of area perimeter, or you can say cost of working on an area or perimeter, right? Okay. अच्छा, लेट्स सपोज हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. मैं आपको दो एग्जांपल्स कराऊंगी, उससे आपको काफी हद तक हेल्प आउट हो जाएगा कि अगर हमें इस तरह के केसेस आए, सो हाउ वी गोइंग टू सॉल्व देम, राइट? ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल. द पेरिमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप रूम इज 36 मीटर्स. फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द रूम एट द रेट ऑफ रुपीज 180 पर स्क्वायर मीटर. अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अभी यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन है, इसमें आपको शेप भी गिवन है, आपको बताया भी गया है कि उसकी क्या चीज आपको रिक्वायर्ड है, क्या चीज आपको गिवन है, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आप टोटली वेग जा रहे होगे, फिर उस वक्त आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए टू डिटर्मिन कि हम के वो किसकी बात कर रहे हैं, आइदर द शेप इज अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल. और जो कॉस्ट आपकी फाइंड करनी है वो एरिया के लिए फाइंड आउट करनी है या पेरिमीटर के लिए करनी है. ठीक है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे. अभी वाला सिंपल है, लेट्स डिस्कस दैट. सो हमें कहा गया है कि जो स्क्वायर शेप रूम है उसका पेरिमीटर जो है वो 36 मीटर है. एंड आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर दैट व्हाट इज पेरिमीटर. पेरिमीटर इज अ सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि जितनी भी उस जगह की साइड है उनका जब हम सबको आपस में टोटल करते हैं तो वी गेट द पेरिमीटर. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द रूम एट द रेट ऑफ रुपीज 180 पर स्क्वायर मीटर. अच्छा, अब देखिए उन्होंने कहा कि एक कमरा दिया है उसका जो पैरामीटर यानी बाउंड्री का जो उसका सम है वो 36 मीटर है, और हमें कहा गया है कि जो रूम को हमने टाइलें लगानी है उसको हमने कॉस्ट निकाली है कि हमें कितना खर्चा आएगा, और रेट क्या है स्क्वायर मीटर में, रुपीज 180 पर स्क्वायर मीटर. अच्छा, अब यहां पर आप देखो कि आपको गिवन है पैरामीटर, और यहां पर जो आपको रेट है वो स्क्वायर मीटर में गिवन है. स्क्वायर मीटर किस लिए होता है, यानी कि किसी भी यूनिट का स्क्वायर कब होगा, जब आपके पास एरिया होगा. अब आपको जो रेट है वो एरिया के यूनिट में गिवन है, और आपके पास जो क्वांटिटी है वो पैरामीटर के उसमें गिवन है, जो गिवन आपके पास है. अब आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज द मेन क्वेश्चन. यू वुड बी रियली कंफ्यूज अबाउट इट कि मैम ये तो पैरामीटर आपने गिवन है, यू आर आस्किंग अबाउट द एरिया. आप पहले क्वेश्चन में तो दो, बट दिस इज नॉट व्हाट यू गोइंग टू आस्क, यू गोइंग टू यूज योर ब्रेन, राइट? सो व्हाट इज given here is you have been given the parameter. सबसे पहले you're going to write the data. In the data, what you have been given? You have been given कि आपके पास शेप ऑफ द रूम क्या है. ठीक है, दैट इज स्क्वायर. ये आपके पास एक गिवन है, शेप गिवन है. देन वॉट यू हैव बिन गिवन इज पैरामीटर विच इज 36 मीटर्स. आपके पास कॉस्ट कितनी गिवन है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग रुपीज 180 पर स्क्वायर मीटर. आप उसको गुस्सा में लिख सकते हैं, राइट? अच्छा, अब आप देखो आपको शेप क्या है, स्क्वायर. एंड यू नो दैट कि स्क्वायर की शेप होती है ऐसे, जब एक साइड लेंथ के बराबर होगी, ये भी लेंथ के बराबर होगी, ये भी साइड, ये साइड, चारों साइड्स बराबर है. यानी कि जो पैरामीटर है वो चार सेम साइड्स को आपस में ऐड करके बना है. तो हम क्या पैरामीटर से लेंथ निकाल सकते हैं? डेफिनेटली यस. लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर अब आप क्या करोगे, वैल्यू कैसे निकालते हो, फॉर्मूला में पुट करके. पैरामीटर की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के लिए, 4L. पैरामीटर की वैल्यू आपका गिवन है 36, 4L. Now you're going to solve it. ये 4 इधर आएगा, आपके पास L आ जाएगा. That will become L is equal to 36 divided by 4. ठीक है, 4 की टेबल में 36 कितने बार आता है, 9 बार. 4 वन जार, 4 नाइन जार. तो लेंथ आपके पास कितनी आ गई, 9 मीटर्स. ठीक है, अब आपके पास लेंथ आ गई. अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर आपके पास क्या है, अब आप इजीली एरिया निकाल सकते हैं. एरिया क्या है आपके पास, लेंथ इनटू लेंथ, 9 × 9 विच इज 81 मीटर स्क्वायर. अब आपको रेट क्या गिवन है, अभी हम डिस्कस करते हैं. कॉस्ट ऑफ टाइलिंग क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 मीटर स्क्वायर आपके पास कितनी है, रुपीज 180.
The cost of tiling आपने कितना निकाला था? 81 मीटर स्क्वायर. 81 मीटर स्क्वायर क्या होगा? 180 को हम 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो अब आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई बाय 81, 100 0, 18 8, 11 1 क्रॉस, 80 0, 88 64. ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 कैरी हो गया. 8 1 8, 8 प्लस 6 इज 14. 08541. सो द आंसर विल बिकम ₹14580. क्योंकि हम कॉस्ट फाइंड आउट करें, दैट्स व्हाई इट विल बी इन रुपीज. हम इसमें कोई मीटर या कुछ इस तरह का नहीं डालेंगे, रुपीज का यूनिट लाजमी लिखेंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट अगर आपको किसी भी चीज के पैरामीटर या एरिया के बना. ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल. अ गार्डन इज 45 मीटर्स लॉन्ग एंड 30 मीटर्स वाइड. ठीक है, find the cost of repairing the garden at rate of ₹30 per meter square and cost of constructing a wall around it at the rate of ₹300 per meter. अच्छा, अब हमें कहा गया है कि गार्डन है जिसकी लेंथ जो है 45 मीटर्स है एंड विड्थ जो है उसकी 30 मीटर्स है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द गार्डन. अब कॉस्ट क्या है, यानी कि कितना पैसा लगेगा उस गार्डन को रिपेयर करने में एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर स्क्वायर. यानी कि जब उस गार्डन को रिपेयर करेंगे तो उसका रेट क्या है? ₹30 पर मीटर स्क्वायर. और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल अराउंड, यानी उसके इर्द गिर्द वॉल बनाने की जो कॉस्ट है वो है रेट 300 पर मीटर. राइट, अब यहाँ पे आ जाता है कि अब सवाल में चाहिए बेसिक क्या. कॉस्ट आप निकालोगे कैसे? लेंथ और विड्थ तो गिवन है, बट व्हाट यू हैव टू फाइंड इट. अब देखो, जो आपके पास कॉस्ट है, कॉस्ट का जो रेट है वो आपको बताएगा कि आपने फाइंड आउट क्या करना है सबसे पहले. बिकॉज ऐसी बात है, पहले आप एरिया या पैरामीटर फाइंड आउट करोगे तभी तो आपको पता चलेगा, मतलब वो फिर आगे आप कॉस्ट निकाल सकते हो ना. राइट, सो कॉस्ट को देख के आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो? लुक एट इट्स यूनिट. यूनिट क्या है आपको, अगर आपको याद हो तो एरिया में दो जो है वो लेंथ जो है, दो मेजरमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनका यूनिट स्क्वायर बन जाता है. कोई भी होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, वो क्या बन जाता है? स्क्वायर. सो वेन यू हैव अ स्क्वायर ऑफ अ यूनिट, लाइक ये मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या होगा? एरिया. यानी कि कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर स्क्वायर मतलब एरिया. जो आपने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया. ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल अराउंड इट. अराउंड इट से तो आप समझ जाओगे कि उसकी बाउंड्री बनाई जा रही है, इर्द गिर्द की बात हो रही है. इर्द गिर्द मीन्स पैरामीटर. ठीक हो गया. ओके, तो उसका मैं रेट गिवन है ₹300. अच्छा, अगर आपको वो ना भी गिवन हो, उसको ये ना बताया हो कि क्या है, तो आप इसका यूनिट देखो. उसके यूनिट पे कोई पावर नहीं है. अब पैरामीटर के यूनिट पे कोई पावर नहीं होती है. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? ₹300 पर मीटर, यानी कि यहाँ पे पैरामीटर है. नाउ लेट्स गेट द डेटा एंड देन स्टार्ट. अब शेप देखो क्या बन रही है. गार्डन जो है वो 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर राइट. लेंथ और विड्थ बराबर नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? रेक्टेंगल. ठीक हो गया. ओके, सो डेटा में, अच्छा वो पहले वाले मैंने शेप जो है वो आपके रेफरेंस के लिए लिखवाई थी, बट इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट इट इन डेटा. हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं. लेंथ हमारे पास कितनी है? 45 मीटर्स. एंड विड्थ हमारे पास कितनी है? 30 मीटर्स. राइट, अच्छा उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग कितनी है? ₹30 पर मीटर स्क्वायर. एंड कॉस्ट ऑफ वॉल कितनी है हमारे पास? ₹300 पर मीटर. राइट, अब हमारी आ जाती है सॉल्यूशन पे. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग में गिवन है एरिया पर मीटर स्क्वायर. सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. एरिया इज लेंथ इंटू विड्थ. 45 इंटू 30, 0 5 0, 0 4 0 क्रॉस लगाया, 3 5 15, 1 कैरी, 4 3 12, प्लस 1 13, 0 5 3 1. ठीक है, सो एरिया कितना आपके पास आ गया? 1350 मीटर स्क्वायर.
साथ के साथ इसकी कॉस्ट भी निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग। अब जब वो कॉस्ट गिवन थी दैट वाज 1 मीटर स्क्वायर की ₹30। अब जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग 1350 मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा 30 will be multiplied by 1350। अब इसको इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बड़ा नंबर हमेशा ऊपर होता है, छोटा नंबर हमेशा नीचे होता है, जीरो आर जीरो, ये सारे जीरो, क्योंकि जीरो का कुछ भी मल्टीप्लाई करो इट विल बी अ जीरो। ठीक है, क्रॉस किया, 3 0s are 0, 3 5s are 15, 1 carry, 3 3s are 9 plus 1 10, 1 carry, 3 1s are 3 plus 1 4, that will be 0 0 5 0 4, so that will be ₹40,500। ये हो गया अभी कॉस्ट ऑफ रिपेयर। अब आगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल, सिंगल यूनिट है इसका मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द पैरामीटर। अब पैरामीटर मैंने आपको क्या बताया था, 2l प्लस 2 विड्थ, 2 इंटू एल इज 45 प्लस 2 इंटू विड्थ 30, 45 टूज आर 90, 2 थ्रीज आर 60, दैट इज इक्वल टू 150 मीटर्स। अब कॉस्ट ऑफ वॉल आपके पास, वॉल पर 1 मीटर आपके पास कितनी है, ₹300 पर मीटर की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। अब कॉस्ट ऑफ वॉल पर कितना हमने कैलकुलेट किया, 150 मीटर्स, 150 मीटर्स विल बी 300 मल्टीप्लाई बाय 150। ठीक है, वही मल्टीप्लाई करते हैं, 300 मल्टीप्लाई बाय 150, सबसे पहले 0 0 0, 5 0s are 0, 5 0s are 0, 5 3s are 15, 2 crosses, 1 0s are 0, 1 0s are 0 and 1 3s are 3, 0 0 0 5 and 4, that will be ₹45,000। So this is how you going to solve it। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई दोबारा रिप्ले करके देखो, समझ आ जाएगी हमने किस तरह निकाला। हमने क्या किया, हमें गार्डन की गिवन थी, मेजरमेंट्स गिवन थी, हमने देखा कि दोनों जब बराबर नहीं है इसका मतलब है रेक्टेंगल की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आपको जब रेट गिवन है तो रेट के जो कॉस्ट, जो भी रेट है यानी कि जो कीमत लग रही है उसके जब आप रेट के यूनिट देखोगे, ठीक है, तो यूनिट अगर आप देख रहे हो कि उसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा हुआ है, 2 है लगा हुआ पावर, उसकी यूनिट की पावर 2 है, तो इसका क्या मतलब हो गया, एरिया, यानी कि आपको पहले एरिया निकालोगे और उस एरिया को फिर इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक हो गया, तो आपके पास आ गया एरिया की कॉस्ट। उसके बाद पैरामीटर के लिए क्या, अब रेट के ऊपर यूनिट देखोगे, अगर कोई इसके ऊपर पावर नहीं है इसका मतलब पैरामीटर है, पैरामीटर निकालोगे और जो रेट गिवन उसे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।